हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको अरेंज करने ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। ठीक है, जैसे कि पहले अगर ये छोटे छोटे नंबर्स है, 6 लिखो, फिर 7 है, फिर 8 है, तो ये नंबर्स बढ़ है ना, या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दो, वही असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे डिसाइड करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स है। ठीक है, आगे देखो कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 3, 6, 8 डिजिट्स है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर हमारे पास 6 डिजिट, फिर आगे देखते हैं हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 डिजिट्स है। यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 3, 6, 7, 8 डिजिट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो 6 डिजिट वाला देखो एक ही है ना, तो इसका मतलब हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख देते हैं। सारे नंबर इससे बड़े ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 6 डिजिट देते हुए सबसे छोटा है ना। अब चलते हैं हम 7 डिजिट्स के ऊपर, या तो ये वाला नंबर आएगा या वो वाला नंबर आएगा। ठीक है, देखो 9, 8, 7 दोनों में कॉमन है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 3 है, वहां पे 4 है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है छोटा हुआ, तो पहले इसको लिख लो। ठीक है, फिर वो वाला नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों ही 8 डिजिट नंबर है ना, लेकिन देखो 2, 4, 6 दोनों में सेम है। यहाँ पे लेकिन 2 आ गया है, अब यहाँ पर 1 आया है ना, तो इसका वाला कौन सा नंबर जो छोटा हुआ, ये वाला, तो इसको पहले लिख लो। और सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, इसको रख कर दे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सेम यहाँ पे वही करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखो, तो देखो डिजिट्स काउंट करते हैं पहले। 3, 6, 8 यहाँ पर 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 डिजिट्स हो गए। 3, 6, 8 इसमें फिर 8 डिजिट्स हैं। 3, 6, 7 डिजिट्स हैं। 3, 6, 8 डिजिट। इसका मतलब हमें इन दोनों में से कोई एक नंबर सबसे पहले लिखना है ना, इन दोनों में से, क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है दोनों, इसका मतलब इन्हीं में से कोई नंबर सबसे छोटा होगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक तो दोनों नंबर सेम है। अगले नंबर पे बढ़ो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख दो। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिख दो, क्योंकि हमको यही तो करना है, नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है इन 3 नंबर्स में से। ठीक है, क्योंकि तीनों 8 डिजिट है, तो देखो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक ये सब में जो है कॉमन है ना, 5, 6, 9, 4 सब में एक सा है। लेकिन देखो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पे 4 है, इसका मतलब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कौन सा आएगा, है ना। तो इसलिए उसके बाद वाला नंबर देखो, सबसे बड़ा तो ये हो गया, तो ये लास्ट में लिखी लोगी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा नंबर आएगा, तो ये देखो कि पहले 2 आता है या 3 आता है, पहले जो है 2 आता है, बाद में 3 आता है ना, तो पहले हम ये वाला नंबर लिख लेंगे, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो चलो ये नंबर लिख लो। ठीक, और फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है ना, काउंट करके नंबर्स लिख लो, तो उससे पता चल जाता है कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 3 और 6 डिजिट यहाँ पर है, मुझे तो यही सबसे छोटा लग रहा है ना। यहाँ पे काउंट करो, 3, 6, 7 डिजिट्स यहाँ पर है, ये हो गया 3, 6, 7 डिजिट्स यहाँ पर है, 3, 6, 7, 8 डिजिट्स यहाँ पर है, 3, 6, 7 डिजिट्स यहाँ पर है ना। तो देखो यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 8 डिजिट है, ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि ये सबसे पहले आएगा, ये वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो सबसे पहले वाला नंबर लिख लेते हैं हम, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला नंबर लिख लो। ठीक, अब हमें सिर्फ डिसाइड करना है इन 3 में से कौन से बीच में आएंगे, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखो 8014 यहाँ पर है, 8014 यहाँ पर है ना, इसका मतलब इन दोनों में से कोई नंबर आएगा,
क्योंकि 801 तक तो देखो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 801 801 801, लेकिन यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई नंबर आएगा। अगला देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया फिर यहाँ 3 है तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो मैं पहले ये छोटा वाला नंबर लिख लेती हूँ। 4 के बाद 2 है ठीक, और 5 7, फिर ये वाला नंबर लिख लेते हैं 8014306 ठीक है। और देखो यहाँ 5 है तो ये ऑब्वियसली ये बीच यहाँ इधर आ जाएगा ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल इजी है ना, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, एक कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है आपका एक कमेंट भी ना, इट मींस अ लॉट फॉर मी। मैं क्या खाली, जितने भी लोग आप लोग को पढ़ाते हैं यूट्यूब पर या जो भी कोई वीडियो डालते हैं, देखो ऐसा कोई कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है हम लोग के बीच में है ना, लेकिन आपका अगर एक भी कॉमेंट आता है तो लगता है कि एटलीस्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं वो किसी को अच्छा लग रहा है ना, और फिर उससे और मोटिवेशन मिलता है, फिर ये होता है कि चलो और वीडियोज बनाओ इस क्लास की, है कि नहीं। फिर है 9801 3 4, फिर है 1021 4 0 3, फिर है हमारे पास 8 9 3 4 2 5, फिर है 1020 216। असेंडिंग ऑर्डर में देखो लिखना है ना, तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो पहले फिर से ये करते डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 3 7 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स यहाँ पर है। आप पेंसिल से छोटा छोटा लिख सकते हो उसको और फिर बाद में वो रब कर देना है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर कितने 3 4 5 6 7 डिजिट्स। तो देखो सबसे पहले तो 6 डिजिट नंबर आएगा, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला है ना, तो देखो 893, ये तो 9 में, ये तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया, यहाँ पे भी 893 यहाँ पे भी 893, यहाँ पे 2 है इसका मतलब यहाँ पे 4 है कि नहीं, फोर्थ नंबर यहाँ पे 4 है यहाँ पे ये 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ ये वाला ना, तो ये वाला नंबर ही दो सबसे पहले, इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, हो गया ना डिसाइड इजीली। फिर ये 98 वाला हो जाएगा। अब पहुंचो 7 डिजिट नंबर्स में, देखो यहाँ पे 102 102 102 सब में कॉमन है ना, लेकिन यहाँ पे देखो 0 है यहाँ पे 1 है फिर यहाँ पे 0, इसका मतलब 0 वाले नंबर्स पहले आएंगे, 1 तो ये सबसे बड़ा हो गया, क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे भी 0, अच्छा 0 तो हमने बात कर ली, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब छोटा कौन सा हुआ ये वाला ना, तो पहले ये वाला नंबर लिख लो, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, और लास्ट में फाइनली ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा हो गया, ठीक है क्लियर है। तो हमने लिख लिया ना सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। अगर प्लीज वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को एक लाइक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।